ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से। वहां ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की संपत्तियों को कुर्क कर दिया। ईडी ने शाहजहां शेख की 14 चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी ने उनके 2 बैंक खाते भी सीज कर दिए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उन दोनों बैंक खातों में करीब 13 करोड़ रुपए जमा थे। शाहजहां शेख पर ईडी ने यह एक्शन पश्चिम बंगाल के कोलकाता और संदेश खाली में बनाई गई संपत्तियों पर लिया। और ईडी के बाद संदेश खाली केस में सीबीआई की भी एंट्री हो गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी की टीम पर हुए हमले का केस सीबीआई को सौंप दिया। इसके बाद बिना देर किए सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंच गई ताकि केस से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी शाम होते ही पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंच गई। गाड़ी के पास मीडिया के कैमरे पहुंचे तो अधिकारियों ने गले में लटका सीबीआई का आई कार्ड भी दिखाया। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल में हुए राशन वितरण घोटाले में आरोपी हैं। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम संदेश खाली में उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी, उस वक्त ईडी की टीम पर वहां के लोगों ने हमला कर दिया था। उसी मामले में बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 10 दिन के लिए उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर शाहजहां शेख को बचाने में लगी है, इसीलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले पर बंगाल सरकार भड़क गई और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इसलिए काफी देर तक पुलिस मुख्यालय में वक्त गुजारने के बाद सीबीआई अधिकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस बीच संदेश खाली मामले की गूंज यूपी के मऊ में भी सुनाई दी, जहां बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में ममता ने अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की और इसी बात पर विरोध दर्ज कराने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी की कई कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर बैठी दिखाई दी। वो बीच बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में ममता बनर्जी ने चुप्पी साधे रखी। इस मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके कई साथी आरोपी हैं। इसे लेकर पिछले महीने कई दिनों तक संदेश खाली में महिलाओं ने आगजनी और प्रदर्शन भी किए थे। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं के आरोपों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी।